पाकिस्तान में इस वक्त हालात कैसे हैं, इससे हर कोई वाकिफ है और किस तरह की पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था है, इसका एक बार फिर नजारा देखने को मिला लाहौर हाई कोर्ट में, जब इमरान खान और उनकी पत्नी को लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के लिए आना पड़ा। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, देखिए कि कैसे सुरक्षा बल सफेद कपड़ों के बीच में इमरान खान और उनकी पत्नी को ढक कर कोर्ट रूम तक लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, जब कोर्ट रूम पे इमरान खान पहुंचते हैं तो एक एक करके वो सफेद पर्दा हटाया जाता है और फिर उस सफेद पर्दे के पीछे से पहले निकलती हैं इमरान खान की बेगम बुशरा बीवी और फिर इमरान खान। लेकिन जिस तरह की ये लचर सुरक्षा व्यवस्था वहां दिखाई पड़ रही है, ये उसी का नजारा है और जिस हाल में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ लगातार पाकिस्तान में सलूक हो रहा है। तो राजनीति के निशाने पर है ही, साथ ही उनकी पत्नी भी अब पूरी तरीके से रडार में है और यही कारण है कि उन्हें जमानत के लिए कोर्ट तक आना पड़ रहा है। एक और तस्वीर हम आपको कोर्ट के अंदर की दिखाते हैं, जहां जज के सामने इमरान खान काफी एटीट्यूड में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट रूम में इमरान खान बड़ी शानो शौकत के साथ गॉगल्स चढ़ाए खड़े हैं और उनके आगे खड़ी हैं उनकी बेगम बुशरा बीवी। दरअसल अल कादिर ट्रस्ट मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में लगातार बवाल मचा हुआ है और इमरान लगातार इस बात की शक जताते रहते हैं कि उनके पीछे उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जा सकता है और यही कारण है कि आज इमरान खान अपनी पत्नी के साथ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। यहां उन्होंने अदालत में जज के सामने पेशी दी और अपनी बीवी की जमानत की गुहार लगाई। इमरान खान की बीवी बुशरा बीवी को जमानत दे दी गई है, उन्हें 23 मई तक जमानत दी गई है। लेकिन जिस तरह का ये नज़ारा कोर्टरूम से सामने आया है, वो वाकई में काफ़ी हास्यास्पद है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था ऐसे हो सकती है और ऐसी ही तस्वीरों के कारण पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।